कोरोना वायरस वैक्सीन किसे लगनी चाहिए इसे लेकर अभी विशेषज्ञ एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद शरीर में 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है और भारत में भी नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमण के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। इस बीच एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें इस वक्त टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने सुझाया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है। सुझाव दिए गए इस समूह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर, कोविड-19 संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य भी शामिल हैं। इस समूह ने सलाह दी है कि अभी हमें उन लोगों को वैक्सीन दिए जाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई इस साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सही होगा कि सभी एज ग्रुप के लोगों की जगह महामारी से जुड़े डेटा को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन के लिए रणनीति बनानी चाहिए। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।